चतरा जिले के सुदूरवर्ती कान्हाचट्टी प्रखंड में संचालित पशु अस्पताल अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। दरअसल अस्पताल का पुराना भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। आलम यह है कि छत में दरार पड़ गई है और भवन के छज्जे भी झूल गए हैं। ऐसे में कर्मियों के समक्ष जान का खतरा बना रहता है कि कब छत नीचे आ जाए और लोगों को अपनी जान माल की क्षति उठानी पड़े। इस भवन में खिड़कियां तो हैं, लेकिन एक भी खिड़की में कांच नहीं है। ऐसे में गर्मी हो या जाड़ा या फिर बरसात, सभी मौसम की मार कर्मियों को झेलनी पड़ती है। ठंड के मौसम में सर्द हवाएं, गर्मी में लू के थपेड़े और बरसात में बारिश का पानी सीधा कमरे में घुसकर अस्पताल में मौजूद लोगों को परेशान करता है। यहाँ पदस्थापित भ्रमणशील पशु डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मोदी ने कहा कि कई बार स्थिति से अपने वरीय अधिकारियों को लिखित व मौखिक रूप से अवगत कराया है, परंतु नतीजा सिफर निकला है। चिकित्सा भवन है, पशु चिकित्सालय है, इसकी भवन की स्थिति बहुत ही नाजुक कंडीशन में है, बहुत ही जर्जर है। कभी भी किसी भी प्रकार का दुर्घटना हो सकता है, जैसे कि देख ही रहे आप, खिड़की है सब सारा टूटा हुआ है, सारी दीवारें टूटी हुई हैं। कभी भी किसी भी प्रकार का दुर्घटना हो सकता है, और यहाँ तक कि हमेशा इसी कारण जो भी फर्नीचर हैं और भी जो सामग्रियां हैं वो सब रख रखाव में बहुत ही दिक्कत होती है, और कभी भी चोरी चमारी का डर हमेशा लगा रहता है। आप विभाग को इसकी सूचना दी है? विभाग को इसके बारे में बहुतों बार सूचना दी गई है, लिखित भी मौखिक भी। तो इस बार अभी कुछ दिन पहले नए जो हमारे DHO साहब आए हैं उनको भी लिखित सूचना दे दी गई है कि सर इसके बारे में कुछ कार्रवाई की जाए। यहाँ बैठना ही हमेशा जान का खतरा रहता है कि कभी कब बिल्डिंग गिर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी और आगे विभाग को लिखा जाएगा कि बिल्डिंग की मरम्मती की जाए। जब बरसात आ जाता है, पानी पड़ने लगता है, उस समय आप अपना कार्यालय में बैठने लायक रहते हैं या नहीं रहते हैं? स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, बैठने लायक रहता नहीं, चारों तरफ से पानी आता है। आप देख ही रहे हैं स्थिति, चारों तरफ से खिड़की खुली हुई है, उसको जल्द से जल्द मरम्मती की आवश्यकता है। एवं और अगर नया भवन अगर बन जाए तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है इस खाना। बता दें कि जिले में ऐसी और भी जगहें हैं जहां ऐसे अस्पताल हैं और उन अस्पतालों की हालत खस्ता है। अब देखना यह है कि कब प्रशासन का इस ओर ध्यान जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चतरा से अशोक तुलस्यान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।